हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 का 4 नंबर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हमको यहाँ दो इक्वेशन दिया गया है और इसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पर पहला जो इक्वेशन दिया गया है वो है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो हम यहाँ से इसके पॉइंट को अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, और फिर इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। फिर यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से 2x प्लस 3y डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 13/10। तो यहाँ से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1। फिर अपना दोबारा दूसरा सेकंड इक्वेशन जो दिया हुआ वो क्या, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो इसको यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, फिर उसी तरीके से इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10, फिर इस वाले को कैंसिल करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 5y डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमको यहाँ से दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। फर्स्ट वाला इक्वेशन आया था 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 13, ये प्लस 3y इक्वल टू के उस साइड जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3y। x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। अब इस x के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो 4x का वैल्यू आया 13 माइनस 3y, तो हम यहाँ लिख लेंगे 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। फिर यहाँ प्लस 5y है तो ये हो गया प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 213 मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 26। 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 6y, फिर ये प्लस 5y इक्वल टू 23। तो हम यहाँ से माइनस 6y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी माइनस 6y प्लस 5y क्या हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू 23। ये प्लस 26 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 26। तो हम ये लिख सकते हैं माइनस वाई इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। अब इस वाई के वैल्यू को एक्स वाले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो एक्स इक्वल टू अपना क्या था, 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3, y का वैल्यू क्या आया है, 3 डिवाइड बाय 2। तो ये अपना क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13 माइनस 9 डिवाइड बाय कितना है, 2। तो 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। तो इसलिए अपना क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और y का वैल्यू क्या आया था, 3। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।